ऑफ़ मोर देन 1.3 बिलियन पीपल एक इंडिया तीस करोड़ से ज्यादा like लोगों प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया अध्यक्ष महोदय 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी पूरा वैश्विक माहौल साधन संसाधन समस्याएं समाधान सब कुछ भिन्न थे ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ जिस स्वरूप में गठन हुआ वो भी उस समय के हिसाब से ही आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है अगर हम बीते पचहत्तर वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं। लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया खून की नदियां बहती रही इन युद्धों में इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था वो दुनिया छोड़कर चले गए कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे पिछले आठ नौ महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स कहां है अध्यक्ष महोदय संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव